very good day to all of you. I am Chandra Saxena, a teacher of Study Hall Education Foundation. I am here to teach you all science and technology. Okay, students. So, आज हम साइंस की शुरुआत कर रहे हैं. क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे. फर्स्ट चैप्टर इज मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके, तो वी शुड नो दैट बिफोर हम चैप्टर को स्टार्ट करें, हमें ये पता होना चाहिए कि मेजरमेंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना. हम बिना नापे कुछ भी नहीं कर सकते. इनफैक्ट हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी मेजरमेंट करते रहते हैं. अब हमारे घर में गेस्ट आए, मम्मी ने कह दिया बेटे से जाओ बेटा सब गेस्ट के लिए चाय बना के लाओ, मेरी फ्रेंड आई है मैं तो वो नहीं बना पाऊंगी, आप बना के लेकर के आओ. अब उसको आती नहीं चाय बनाने, आती नहीं, मतलब क्यों नहीं आती, क्योंकि मेजरमेंट ही नहीं आता उसको करना. अब जब उसको मेजरमेंट करना नहीं आएगा तो चाय कैसे बनेगी. किसी भी क्वांटिटी में पानी ले लिया, किसी भी क्वांटिटी में दूध ले लिया, चीनी ले ली, तो इस तरह से तो चाय नहीं बन पाएगी ना, अच्छी नहीं बनेगी. मतलब बन जाएगी बट सोचो अच्छी नहीं बनेगी. अच्छी तरह बनेगी जब एक परफेक्ट क्वांटिटी में मेजरमेंट हुआ है ना, एक्यूरेसी हो, ठीक है, तो फिर अच्छी चाय बनेगी. तो हम अगर देखें ना तो हम अपनी हर चीज में मेजरमेंट करते हैं. हम अपनी शर्ट सिलने के लिए लेकर आते हैं टेलर को, टेलर अगर बिना मेजरमेंट किए हमारी शर्ट हमें सिल करके दे दे तो वो लगेगा नहीं कि हमारी, बिकॉज हमारा मेजरमेंट नहीं किया उसने, है ना. किसी भी नाप से लेते हैं तो हमें बहुत टाइट होगी या हमें लूज हो. हम टेलर के पास नहीं जाते, हम डायरेक्टली शॉप पे जाते हैं कुछ परचेज करने के लिए, और डायरेक्टली हम कपड़े खरीद के लिए आते हैं. तो हम कैसे खरीदते हैं, हम वहां पर भी मेजरमेंट करके लेते हैं, अरे कौन सा साइज है, कौन सा नंबर आएगा आपको, शूज का कौन सा नंबर आएगा, है ना. तो इन एवरी थिंग वी नीड मेजरमेंट, एंड विदाउट मेजरमेंट हम कुछ नहीं कर सकते. एंड साइंस के लिए तो मेजरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मुझे इस टेबल को मेजर करना है तो आई विल टेक अ स्केल, ओके, और आई विल टेक दिस चॉक, ओके, और मैं इस चॉक से मेजरमेंट करूंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, तो अगर मैं इसको मेजरमेंट, अगर मैं इसको एक स्केल मान लेती हूँ इस चॉक को, तो इसके जो मेजरमेंट होगा द काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स मैंने इस चॉक का यूज करा, है ना. मैंने यहां से काउंट करते हुए गई एंड मैंने कितने टाइम्स इस चॉक का यूज करा, 10 times यूज करा, ठीक है. तो इसकी मेजरमेंट, ये चूजन स्केल है अगर मेरा, तो इसकी मेजरमेंट के हिसाब से 10 chalks का मेजरमेंट इस टेबल की मेजरमेंट के बराबर है, ठीक है. तो अकाउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ टाइम अ चूजन स्केल इज यूज्ड इज मेजरमेंट, ठीक है. तो अगर एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है व्हाट इज मेजरमेंट, काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स a chosen scale is used is called measurement. Okay, so ये है आपका measurement, ठीक. अब अगर मैं ये scale ले लेती हूँ, है ना, और मैं इस scale से measurement करती हूँ, तो one scale, टू स्केल एंड थ्री स्केल, ठीक है. तो इस स्केल के हिसाब से द मेजरमेंट इज थ्री स्केल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चूजन स्केल. अगर मैंने ये स्केल चूज करा है तो दिस विल बी द मेजरमेंट, ठीक है. अच्छा, ओके. अब बिफोर गोइंग फर्दर मैं आप लोगों को बताना चाहते हैं, एक साइंटिस्ट थे लॉर्ड केल्विन. लॉर्ड केल्विन की सेइंग थी, व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट express it in numbers, you know what you are talking about. But when you cannot measure it, you cannot express it in numbers, your knowledge is mere and unsatisfactory. ठीक है, तो लॉर्ड केल्विन ने क्या कहा था, अगर हम किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं और अगर हम उसको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या अगर हम उसको नाप नहीं पा रहे हैं,
तो हमें हमारे पास उसकी नॉलेज सेटिस्फैक्ट्री नहीं, अनसेटिस्फैक्ट्री नॉलेज है, ठीक है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, ठीक। अगर हम उसको नाप पा रहे हैं, अगर हम उसकी मेजरमेंट कर पा रहे हैं, उसके वेट को, उसके लेंथ को, ब्रेथ को, डायमेंशन को उसके मेजर कर पा रहे हैं, तो ही हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केल्विन ऐसा था, और हम इसी के बेसिस पे हम साइंस में कोई भी चीज कर सकते हैं। अगर किसी को मेजर, किसी भी चीज को मेजरमेंट कर पा रहे हैं, तो हम उसके बारे में आगे, हम आगे उसके बारे में और डिस्कवरीज कर पाते हैं, इन्वेंशंस कर पाते हैं, है ना। और अगर नहीं, तो हमारे नॉलेज अनसेटिस्फैक्ट्री है, हम मेबी हम बिगनिंग कर रहे हैं, तो हमें अभी उसके बारे में और जानने की जरूरत है, और हमें उसके बारे में और जानना चाहिए, तो ही हम कह पाएंगे कि हाँ, अगर मैं स्टेबल की बात करूँ, तो स्टेबल के अगर मैं डायमेंशन, उसका वेट अगर मैं मेजर कर पा रही हूँ, तो मैं इसको मानती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं जानता। अब अगर मैं आपको बोलूँ एक कार्टन मून जिसमें बूस भरी पड़ी है, और मैं आपसे कहूँ कि आपको इसको उठाना है, और आपको मुझे बताना है इसका कितना वेट है, आप उसका वेट कैसे बताओ? आप उसका वेट वेइंग बैलेंस में रखिए तो बताओगे, है ना, उसका वेट उसको मेजर करके तो उसका वेट बताओगे, बिना वेइंग बैलेंस में तो उसका वेट नहीं बता पाओगे, उठा दिया और बता दिया हमारे इतने किलो का है, ऐसा बताना मुश्किल है, ठीक। अंदाजन बता भी सकते हो, बट जरूरी नहीं है, लो वेट की प्रॉब्लम भी हो सकता है, बट आंसर सही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो किसी भी चीज के लिए हमें उसका मेजरमेंट करना इम्पोर्टेंट होता है, और उसकी उसके बारे में बताना। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, अब आज रात मैं सुबह आ रही थी यहाँ पढ़ाने के लिए, तो जब मैं घर से निकली, तो थोड़ी दूर पे मैंने देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है, जाम लगा हुआ है, तो पता चला कि क्यों जाम लगा है, तो वहां पर दो लोग लड़ रहे हैं। कौन कौन लड़ रहा है? एक बायर, एक अंकल थे सब्जी वाले से लड़ रहे थे, वो गए वहां पर गाजर खरीदने के लिए, बोले गाजर कितने की है? बोला 50 रुपए की। बोले ठीक है, गिन करके मुझे 100 दे दो। 100 दे दूं? 100 कैसे दे दूं भाई? आप एक काम करिए, गिन करके 5 ले दो। तो मैं बोले 5? मैं तुमसे 100 मांग रहा हूँ, तुम 5 बता रहे। बोला मैंने आपको बोला 50 रुपए किलो, तो 50 रुपए किलो ले लीजिए, 5 गाजर ले लीजिए। अब दोनों ने इस बात की जम के लड़ाई हो गई थी। अब भाई ऐसे कैसे वो 100 गाजर ले लेंगे, और कैसे वो शॉप मतलब सब्जी वाला 5 गाजर या 10 गाजर दे देगा, और कहने लगे 1 किलो में क्या रेट है? 50 रुपीज पर किलो, तो यानी कि उसको 1 किलो तौल के देना है ना, उसको तौल के दे देना चाहिए, और अंकल को कोई तौल करके ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट किस बात का है? तौल का, यानी कि मेजरमेंट का। तो बायर और सेलर के बीच में सेटिस्फैक्ट्री परचेजिंग और सेलिंग तभी हो पाएगी जब वो मेजरमेंट से हो। हम एक दुकान पे कपड़ा लेने के लिए जाए, और हम कहें हमें सूट बनवाना है, हमें आप कपड़ा दे दीजिए, और वो हमको काट करके दे दे, हम कहेंगे नहीं नहीं ऐसे आप कैसे काट करके देंगे, आपको मेजर करके हमें देना है। और वो कैसे मेजर करके देगा? तो हमें पूरा मेजर करके देगा कि हाँ 1 मीटर हो गया, अब 2 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया, आपको कितना कपड़ा चाहिए, वो हमसे पूछता है ना कि कितने मीटर कपड़ा आपको चाहिए। हम कुछ भी लेने जाते हैं तो हम उसको मेजरमेंट करके, तो बायर और सेलर के लिए मेजरमेंट इज डिजायरेबल, है ना। विदाउट मेजरमेंट हम कोई भी चीज परचेज नहीं कर सकते। सो इफ एनीवन विल आस्क कि व्हाट इज द नीड ऑफ मेजर, व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट की नीड हर जगह पर। अगर हम बात करें साइंस की ही, तो साइंटिस्ट के लिए भी इट इज वेरी डिजायरेबल, बिकॉज अगर साइंटिस्ट मेजरमेंट नहीं करेंगे और वो कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो वो सैटेलाइट किस जगह पर जा रही है, वो अपने डिजाइन लोकेशन पे पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, वहां पर लैंड कर रही है या नहीं कर रही है, और फिर वो वापस उसी एक्यूरेसी के साथ वापस उसी जगह पर जहाँ साइंटिस्ट ने डिसाइड किया वहां पर वो लैंड कर रही है या नहीं कर रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? मेजरमेंट हमने कर रखा होगा, साइंटिस्ट ने एक्यूरेसी दिखा रखी होगी, वो उसी प्रिसाइज पोजिशन पे पहुंचेगी तभी तो वापस अर्थ पे लैंड करेगी ना, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए दिस इज द नीड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड एंड इट इज वेरी नेसेसरी टू मेजर एवरीथिंग, ओके। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। That's it for today.
today's video. Thank you.